तो भाई ईस्ट पटेल नगर की ना उस बेनामी शॉप पे हो जो पिछले 30-35 सालों से ना यहाँ की फेवरेट है, कुल मटरा कुलचा और मटरा कचौरी के लिए, और इतनी शानदार होती है ये दोनों आइटम यहाँ पर, और पूरे पटेल नगर में तो फेमस ही है। और आई एम श्योर कि अगर आप पटेल नगर से तो आपने जरूर खाया होगा। एक बार भैया से मिलवाता भी हूँ आपको और बताता हूँ यहाँ का टाइम और चीजों का प्राइस क्या हाल है। भैया बढ़िया भैया, आपका नाम बता दीजिए मुझे। आज कश्यप। और इसकी दुकान का ना कोई बोर्ड नहीं देखा मैंने आज तक, तो क्या मतलब बिना बोर्ड के देखो कितने सालों से चल रही है। वैसे है कोई नाम इस दुकान का? कोई नाम नहीं है। कोई नाम नहीं। तो देख लो ये बेनामी दुकान है ईस्ट पटेल नगर की, और पटेल नगर वालों को ना इस दुकान के तारुफ की जरूरत नहीं है। फिर भी भैया से बात करें, क्या क्या होता है भैया अपने पास? हमारे पास होता है भैया मटर कुलचा, मटर कचौड़ी और रायता। आपके कुलचे ही मैंने छोले से ना बिल्कुल अलग होते हैं बाकी छोले वालों से। थोड़े ग्रेवी वाले बनाते हैं हम। थोड़े ग्रेवी वाले होते हैं ना आपके, मतलब सूखे नहीं होते, थोड़ा तरी वाले छोले होते हैं। और ये इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड वाली आइटम मटर कचौरी, इसकी दीवानगी तो मेरी भी, मतलब 17-18 साल से मेरा भी ऑफिस राजेंद्र प्लेस के अंदर, और मैं बहुत टाइम से खाता हुआ आ रहा हूँ। और आज इसकी ना आपको मेकिंग दिखा रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने आपको इंस्टाग्राम पर बहुत सारी वीडियोज़ दिखाई हैं। और ये मटर कचौरी ना आपको दिल्ली में बहुत कम जगह पे मिलती है, लेकिन अगर आपको सेंट्रल दिल्ली में चाहिए और पटेल नगर के आसपास है तो वो यहीं पे मिलेगी। देखिए ये मटर हमारे तैयार हो रहे हैं कचौरी के लिए, और मुझे लगता है पूरे वेस्ट दिल्ली में आपको ऐसी कोई चीज़ मिलेगी, मिलेगी सिर्फ आपको पटेल नगर में भैया के पास। मसाला कैसा लगेगा? मीडियम। हाँ मीडियम। ये साथ में थोड़ा सा चूरा जाता है, पूरा मसाला तैयार हो रहा है। अच्छा भैया, दुकान का टाइम क्या रहता है वैसे? सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। सुबह 9 से 5 बजे, तो 9 से 5 बजे तक ये सारी आइटम्स मिल जाती हैं। दोनों आइटम्स मिल जाती हैं अपने पास ना। तो अर्ली मॉर्निंग अगर आपका ब्रेकफास्ट है, लंच है या इवनिंग स्नैक के अलावा, आपको ये जो मटर कचौरी है तो इवनिंग स्नैक के तौर पे भी इतनी जाती है घरों में भी, ऑफिसों में भी, आसपास राजेंद्र प्लेस का पूरा जो ऑफिस है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा ऑफिस राजेंद्र प्लेस में इतने साल से है, मेरे यहाँ तो रेगुलर आती रही है। और इसका क्या प्राइस रहता है अपना? ये 40 रुपये की प्लेट है। 40 रुपये की। और कुलचे छोले की कितने की प्लेट रहती है? 50 रुपये की। 50 रुपये। तो आप देखो ये ऑर्डर लग रहे हैं अब, तो एक के बाद एक ऑर्डर है। मसाला जाता है बढ़िया ऊपर, और खाने का जो स्वाद है ना इसका, आप यकीन मानिए अगर आपने नहीं खाया अब तक तो आप कुछ मिस कर रहे हैं दिल्ली में रह के, और पटेल नगर आसपास है ना, तो स्पेशली खा के जाइएगा इसको। इस चटनी का जो टेस्ट आता है ना इस कचौरी के ऊपर वो अलग ही है। बिल्कुल। तो जी प्लेट तैयार है हमारी, जो चले तो रायते के बना। देखो अधूरा कितना गाढ़ा रायता है, आपने बहुत जगह रायता देखो वो एकदम पतला होता है। कितने रुपए का गिलास रहता है ये 20 रुपए का गिलास, और एकदम बढ़िया साथ में आप रायता भी ले सकते हो। तो लो जी कचौरी आ गई है हमारी, और मैं बताऊँ ये मटरा कचौरी ऊपर देखो, आपको बोर्ड नहीं नज़र आ रहा होगा, बेनामी दुकान है फिर भी इतनी फेमस है इस पटेल नगर में रोशन लाल जी की, मतलब यहाँ दुकान पर बोर्ड की ज़रूरत ही नहीं है। किस लिए? क्योंकि ये इनकी सबसे बड़ी यूनिक आइटम है। क्रंच का आपको आवाज़ आ गया होगा, इतनी क्रंची होती है ना ये कचौरी। और चटनी का जो स्वाद है ना, पता नहीं कितने सालों से तो मैं खा रहा हूँ, ये स्वाद मुझे ना और कहीं मिलता नहीं है। तो आपको भी अगर ये कचौरी खानी है, कुलरी खानी है, कुलचे छोले खाने हैं, जो लगभग 35 साल पुरानी दुकान है और बिना नाम के सबसे ज़्यादा फेमस है पटेल नगर के अंदर। एड्रेस आपको भैया ने बता ही दिया, 40 रुपये की प्लेट है इसकी,
₹50 की कुल्चे, मटर कुल्चे की। अब आपसे लेता हूँ इजाज़त, दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इसी तरह से प्यार देते रहिए, आपका अपना प्रभजोत सिंह फूडकास्ट से। यहाँ की लोकेशन क्या है अपनी? यहाँ की लोकेशन है ईश पटेल नगर 25/1। रोशन लाल के मटर कुल्चे अगर आप गूगल पे भी डालते तो भी आप पहुँच जाएंगे। हाँ।